ये लोग समान सिविल कोड लाना चाहते हैं ताकि हमारे बंधारण में जो हक है, जो हमारी भारत सरकार ने बाबा अंबेडकर ने दिए हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक अपनी मर्जी से अपने मजहब का उपयोग करे, उसमें मांगे हैं भाजपा को ये डराने धमकाने गुंडागिर्दी करके करने वाले लोग हैं, पर इसका करारा जवाब चुनाव में हमको उस नफरत से देखते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा अस्तित्व न रहे। मगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म को लेकर चलती है और उन्होंने आज तक भी हमारे शरीयत पे कभी भी कोई भी खतरा हो ऐसा काम नहीं किया। ये लोग समान सिविल कोड लाना चाहते हैं ताकि हमारे बंधारण में जो हक है, जो हमारी भारत सरकार ने बाबा अंबेडकर ने दिए हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक अपनी मर्जी से अपने मजहब का उपयोग करे, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मगर ये भारतीय जनता पार्टी उसमें भी रुकावट लाने की कोशिश कर रही है और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं। किसी गरीब ने पत्थर मार दिया तो उसका मकान तोड़ देते हैं, वहां तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए हमारे समाज के लोगों को बेरहमी से रोड पर लाकर पीटा जाता है। यहाँ के लोग नफरत पैदा करने के लिए चल रहे हैं मगर कांग्रेस पार्टी मोहब्बत के लिए चल रही है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मगर इतना कहूंगा कि अगर अब भी हम मुस्लिम समाज के लोग नहीं समझे तो और कोई हमको समझाने आने वाला नहीं है। हमारे समाज में कोई अपक्ष उम्मीदवार खड़ा है, हमारा भाई है, तो भी उसको इतना कहो कि ये इलेक्शन बहुत ही वजूद वाला है और उसको समझाकर अपना वापस खींच ले, वरना हम लोग सब मिलकर गांधी भाई को अपना वोट दे, यही उम्मीद आपसे रखता हूं। गांधी भाई हमारी वर्षाबेन गायकवाड़ ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी, महाराष्ट्र की मंत्री और महिला नेतृत्व, हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन माननीय वजीर खान भाई और पूरे सभी हमारे माइनॉरिटी के साथी दोस्त यार नेतागण और मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, बड़ी लंबी तकरीर नहीं करनी है, इमरान भाई को सुनने आप और मैं आए हैं, साथ में मैं भी सुनूंगा उनको, पहली बार सुनूंगा, ऐसे तो बहुत सुना है। तो एक छोटी सी बात, आपने पिछली बार गांधी भाई को 5600 वोटों से जिताया, राजनीति तो गिनती की बात है, हम 5600 वोट से आनंद जीते, हमको 5 सीटें मिली और गुजरात में करीब 80 सीट हम जीत के आए। पर अगर अगली बार ये 2022 में हमको सरकार बनानी है तो हमको कम से कम 21,000 वोट से कांति भाई को जिताना, और अब की बार 5 नहीं, हमारी 6 सीटें कांग्रेस की और एनसीपी की एक साथ आनंद की सातों सीटें हमको जिता के कांग्रेस को देनी। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, लड़ाने की झगड़ाने की जो भी बातें हैं, अभी वजीर खान भाई ने बताया जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी लेके निकले हैं, तो लोग कहते हैं क्यों गुजरात से लेके नहीं गए। राहुल जी ने मऊदा की सभा में सूरत में बताया कि ये भारत जोड़ो यात्रा का बिंदु, इसकी प्रेरणा ये महात्मा गांधी, ये गुजरात और गुजराती से है, तो गुजराती लीड कर रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में तेल जल रहा है। अब कहने का मतलब यह है कि एक तरफ भारत जोड़ो, हमको गुजरात जोड़ो और आनंद जोड़ो करना है, तो हमको आप सब तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं, देते आए हैं, कांग्रेस की आप जान है, उसको जिताने में आप अव्वल नंबर पे हैं, पर यह मैसेज
जो शुरू हुआ है। मैं घूमता हूँ, साउथ गुजरात जाके आया, सेंट्रल गुजरात में, उत्तर गुजरात में, तो पिछले 5-7 दिनों से पत्रकार मित्र ये है मुझे पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं कि गुजरात में 125 सीटें आप लाएंगे तो आपको कैसे ये लगता है। मैंने ये कहा कि हम घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, और जो प्रतिभाव, जो सम्मान, जो प्यार मिल रहा है, ये अंडरकरंट है, ये साइलेंट मेजोरिटी है। तो बोले आपकी जब महंगाई की यात्रा निकालते, धरना निकालते, उस वक्त तो ज्यादा लोग नहीं दिखते, पर मैंने बोला वही बात है, लोग समझ गए हैं भाजपा को, ये डराने धमकाने गुंडागिर्दी करके करने वाले लोग हैं। पर इसका करारा जवाब चुनाव में ईवीएम के ब्लू बटन दबा के पंजे पर ये गुजरात की जनता देने वाली है। तो मैंने कहा आज ही पत्रकार मित्र आए थे, उन्होंने जो मेरे से सवाल हाथ करे तो बोले आपको क्या लगता है। मैंने बोला आज 30 नवंबर को अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस को 100 सीट मिलती है, तो बोले आप तो कहते हैं 125 मिलेगी। तो मैंने बोला ये शुरू होता है 30 नवंबर से, 1, 2, 3, 4, 5 को जो वोटिंग होगा, 8 तारीख को 125 सीटें तक कांग्रेस पहुंच जाएगी। ये अंडरकरंट है। और इमरान भाई आए हैं, उनकी तकरीर आप जानते हैं, और कितने हैंडसम दिखते हैं ये तो देखो आप। सवाल ये है, इतना कैरिश्मेटिक चेहरा, अच्छी बातें, प्यारी बातें, और देश को जोड़ने की बातें। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने इनको ये जिम्मेदारी दी है कि पूरे देश के आवाम के मुसलमान माइनॉरिटी को ही जोड़े। मैंने तो उनसे गुजारिश ये भी की कि आप माइनॉरिटी के अलावा भी और लोगों के साथ मिलिए, जोड़े, और पूरे देश में जोड़ने का काम राहुल जी, प्रियंका जी के साथ मिलकर करें। लंबी बात नहीं करते हुए आप सबको शुभकामनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।